भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने झांसी की चुनावी रैली में साधा बसपा सपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा तीनों ही दलों ने नहीं होने दिया यूपी का विकास। ऐसी कानून व्यवस्था और यहाँ पर भाइयों बहनों ये खेल बहुत हो चुका, 5 साल सपा 5 साल बसपा, 5 साल सपा 5 साल बसपा, और पिछले से मलाई खाने का काम कांग्रेस वाले करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी में किया चुनावी रैली को संबोधित, कहा कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता था तेलंगाना। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के काम में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों को मनाने में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मैं बता नहीं सकती। भाजपा के रॉबर्ट वाड्रा पर वीडियो जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, कहा हार के डर से बौखला गई है भाजपा। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं, मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में किया चुनावी रैली को संबोधित, प्रदेश सरकार पर लगाया हैदराबाद की उपेक्षा का आरोप। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इलाहाबाद की चुनावी रैली में साधा राज्य सरकार पर निशाना, प्रदेश में गुंडा राज को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दलितों को लेकर की गई टिप्पणी पर दर्ज हुआ मामला, लखनऊ में चुनाव प्रचार करने पर भी 16 मई तक लगी रोक। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया अहमदाबाद में रोड शो, 30 अप्रैल को होना है इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव। भाजपा की प्रचार सामग्री पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर बिफरी कांग्रेस, चुनाव आयोग से की मामले को संज्ञान में लेने की मांग। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की छवि को उनकी तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार सामग्री पर लगाना, इसके हम घोर निंदा करते हैं, हमें इस पे आपत्ति है और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनाव बाद तीसरे मोर्चे को समर्थन देने के ऐलान पर भाजपा ने ली चुटकी, कहा सलमान का बयान दिखा रहा है कांग्रेस की हताशा। द सर्टेनिटी ऑफ कांग्रेस बीइंग रिड्यूस्ड टू अ टू डिजिट पार्टी इज ऑलमोस्ट एविडेंट, बट अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, सो नाउ सलमान खुर्शीद इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंकॉक्शन ऑफ अ थर्ड फ्रंट व्हिच इज अ हाईली फेल्ड आइडिया। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी के गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कहा गुजरात कई मामलों में है दूसरे राज्यों से पीछे। श्रीनगर में फारूख अब्दुल्ला की चुनावी रैली के पास हुआ ग्रेनेड हमला, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कर रहे थे रैली को संबोधित। लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने की एमबी तिवारी से मुलाकात, चुनाव के लिए लिया आशीर्वाद।